हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एनएमओपीएस राजस्थान इकाई द्वारा पुरानी पेंशन बहाली पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किया हार्दिक अभिनंदन। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की राजस्थान इकाई द्वारा देश में सबसे पहले पुरानी पेंशन पुनः लागू करके देश में पेंशन मसीहा के रूप में छवि बनाने वाले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह, सूत की माला, खादी का शॉल आदि भेंट करके अभिनंदन किया तथा कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के दौरान एनएमओपीएस राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पूजा राम सियाग ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते समय मुख्यमंत्री से कहा कि अपने राजस्थान के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करके देश में मील का पत्थर स्थापित किया है। आपके द्वारा कर्मचारियों को जीवन का ऐसा तोहफा दिया है जिसकी तुलना भगवान के द्वारा पुत्र रत्न देने से भी बढ़कर है, क्योंकि बुढ़ापे में पेंशन के कर्मचारी का सपूत साबित होता है। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयकरण खिलेरी ने कहा कि पेंशन का आंदोलन स्वतंत्र आंदोलन जैसा है जिसमें पेंशन के निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई को मुख्यमंत्री महोदय ने नया आयाम दे दिया है। आपको पेंशन मसीहा तथा पेंशन गांधी के रूप में जाना जाएगा। इस भावनात्मक मुद्दे पर मुख्यमंत्री भी भावुक हो गए तथा आश्वासन दिलाया कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में पुरानी पेंशन पुनः लागू होगी। पुरानी पेंशन लागू करवाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री के ओएसटी देवाराम जी सेन का भी अभिनंदन किया गया, जिसमें प्रदेश महासचिव जगदीश यादव ने ओएसटी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करने में आपके सहयोग को कर्मचारी वर्ग हमेशा याद रखेगा। इस पर ओएसटी ने कहा कि आंदोलन को जारी रखते हुए पूरे देश में पेंशन बहाली करवाए और पेंशन विरोधी ताकतों को हराने का काम करें। आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डूडी, भादरा विधायक बलराम पूनिया, तिजारा विधायक संदीप यादव, शेरगढ़ विधायक मीना कंवर, बहरोड़ विधायक बलजीत यादव सहित विभिन्न विधायकों से मुलाकात करके पेंशन मुद्दे को विधानसभा में बार बार उठाने तथा इस मुद्दे को आवाज देने के लिए घनी घनी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। रामेश्वर डूडी ने प्रतिनिधि मंडल को खिलाई मिठाई। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि पुरानी पेंशन आंदोलन चलाकर अपने पुण्य का काम किया है, आप लोग सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने अपने हाथ से प्रतिनिधि मंडल को मिठाई खिलाकर सम्मान दिया तथा कहा कि जीवन में आगे भी इसी प्रकार कल्याण के लिए प्रयासरत रहेंगे और समाज में नया बदलाव लाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। आप जैसे लोग देश को नई दिशा दे सकते हैं। देश में हो रहे निजीकरण के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है और उस आंदोलन का जज्बा आप लोगों में है। प्रदेश सचिव घमंडाराम कड़सवारा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों को नई जिंदगी प्रदान की। सभी कर्मचारी मुख्यमंत्री के श्रेणी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर भारतवर्ष में अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाया है। मुख्यमंत्री के अभिनंदन में एनएमओपीएस राजस्थान इकाई के प्रदेश, जिला और ब्लॉक पदाधिकारियों सहित संघर्षशील और क्रांतिकारी साथी उपस्थित रहे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कोजाराम सियाग, प्रदेश महासचिव जगदीश यादव, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयकरण खिलेरी, प्रदेश सचिव घमंडाराम कड़सवारा, प्रदेश मंत्री चंद्र सिंह पोटलिया, मीडिया प्रभारी इंदिरा राम भादू, जिला अध्यक्ष वीरमा राम गोदारा, प्रदेश मीडिया प्रभारी सलीम डायर सहित 500 से अधिक कर्मचारियों ने उपस्थित दर्ज कराते हुए संघर्ष का परिचय दिया। पुरानी पेंशन लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रदेश मंत्री चंद्र सिंह पोटलिया ने बताया कि तात्कालिक वाजपेयी सरकार ने 2003 में बजट में नई पेंशन स्कीम की घोषणा करके 1 जनवरी 2004 से केंद्र में पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। धीरे धीरे राजस्थान सहित देश के समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में नई पेंशन स्कीम को नहीं अपनाया। पिछले 5-6 साल से एनपीएस के दुष्परिणाम सामने आने शुरू हो गए। बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हुए जिनको 1000, 2000 या 3000 रुपए पेंशन मिलने लगी। कर्मचारी भयंकर आर्थिक तंगी से जूझने लगे, जिसको देखकर उत्तर प्रदेश में एक स्कूल अध्यापक विजय कुमार बंधु ने पुरानी पेंशन बहाल करने का बीड़ा उठा लिया और पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन का आगाज कर दिया। यह आंदोलन वर्तमान में देश के 25 राज्यों में चल रहा है। राजस्थान में सैकड़ों बार ब्लॉक, जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर हजारों की संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किए। प्रदेश अध्यक्ष कोजाराम सियाग ने आंदोलन को एक नया आगाज प्रदान किया। सरकार ने लगातार संवाद किया और सरकार ने तथ्यों, तर्कों और रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर दी। पिछले 3-4 साल से संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री के ओएसडी, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, मंत्रियों, विधायकों आदि से लगातार संपर्क तथा संवाद करके पेंशन मुद्दे को विधानसभा में उठाया तथा तकनीकी रूप से अधिकारियों से संवाद करके पुरानी पेंशन बहाल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनपीएस एक शेयर बाजार आधारित कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना है, जिसमें सरकारी कर्मचारी तथा सरकार दोनों का हर महीने 10% कंट्रीब्यूशन एडवांस में किया जाता है।
जिससे सरकारी कर्मचारी और सरकार दोनों को नुकसान होता है। साथ ही पेंशन भी इतनी कम मिलती है कि सरकारी कर्मचारी अपना जीवन यापन किसी भी हालत में नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के GPF, ग्रेच्युटी, वेतन आयोग पर मिलने वाली बढ़ोतरी, पेंशन कम्यूटेशन, मेडिकल जैसी सुविधाएं भी छीन ली गई थी। सरकारी कर्मचारी का बुढ़ापा एक अभिशाप बनने लगा था और उस अभिशाप से बाहर निकाला राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने। पुराने पेंशन बहाली पर अशोक गहलोत का नाम इतिहास में होगा दर्ज। मीडिया प्रभारी इंदिरा राम भादू ने बताया कि कर्मचारियों के भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े पेंशन मुद्दे को महत्व देते हुए पुराने पेंशन लागू करने का घोषणा करने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आगे से राजस्थान के मुख्यमंत्री पेंशन मसीहा के नाम से जाने जाएंगे। देश के सभी राज्यों में अशोक जी गहलोत का उदाहरण देकर पुरानी पेंशन की मांग अपने चरम पर पहुंचेगी। धीरे धीरे सभी राज्यों तथा केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन लागू होगी, जिसका सबसे ज्यादा श्रेय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को जाएगा। देश के सभी राज्यों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा अशोक जी गहलोत का अभिनंदन तथा धन्यवाद सभाएं हो रही है। अशोक जी गहलोत के फोटो लगे बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया मैसेज वायरल हो रहे हैं। सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा तथा बुढ़ापे का सहारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने प्रदान किया है, जो देश की आजादी के बाद एक कल्याणकारी सरकार के रूप में सबसे बड़ा फैसला है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव घमंडाराम कड़वासरा, प्रदेश मंत्री चंद्र सिंह पोटलिया, वीरमाराम गोदारा, मीडिया प्रभारी इंदिराराम भादू, पूनम चंद्र सेवर, मेहरा राम गोदारा, जगवीर सियांग, तारा चौधरी, दीपक ठक्कर, गोर्धन राम प्रजापत, प्रेरा राम कड़वासरा, खेताराम माचरा सहित बाड़मेर में कई कर्मचारी उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से इंदिराराम भादू की रिपोर्ट।